बाजरे की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए हमेशा सब लोग बोलते हैं कि ठंड के टाइम में बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए, बाजरा ज़रूर खाना चाहिए। पर घर पे बाजरे की रोटी बनाते समय बहुत सारे व्यूवर्स थोड़े से हिचकिचाते हैं, क्योंकि रोटी चतुर्भुज को टूट जाती है या फिर अच्छे से बेली ही नहीं जाती। पर आज मेरे बताए हुए तरीके से आप बाजरे की रोटी बना के देखना भाई, आपकी जो रोटी एकदम फूली फूली और नरम बनेगी। इसे देख कर और खा के कोई बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि ये रोटी बाजरे की है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आँच पे बर्तन रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी, और पानी को हम एक बार अच्छा सा गर्म होने देंगे। जब पानी बढ़िया सा गर्म हो जाए उसके बाद आँच को हमें बिल्कुल धीमे पर रखना है, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/3 यानी आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और अब इसमें हम डालेंगे बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा जिस कप से या कटोरी से आपने पानी लिया है उसी से आपने बाजरे का आटा लेना है, और उसको थोड़ा सा दबाकर हमें भरना है, हल्के हाथों से नहीं भरना आपने। अब ये जो आटा है इसको डालने के बाद धीमी आंच पे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बाजरा सारा जो पानी है उसको अच्छे से सोख कर लेगा और बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में आ जाएगा। इस बीच में आप चाहें तो आँच को बंद भी कर सकते हैं। बस अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मिश्रण है वो अच्छे से बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में भी आ गया है, तो बस अब इसको ढक कर हम ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। ठंडा जब ये हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसे हम परात में या किसी बड़ी थाली वगैरह में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, और इस आटे को अच्छे से मस लेंगे करीबन 4 से 5 मिनट। फ्रेंड्स, बाजरे का जो आटा होता है उसको अच्छे से मसलना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है जब हम बाजरे की रोटी बनाते हैं। आटे को अच्छे से मसलते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी रोटी अच्छी नहीं बनती है। अगर आप गेहूँ के आटे को मसलना थोड़ा सा कम मस लेंगे चल जाएगा, पर बाजरे के आटे को हमें अच्छे से मसलना होता है। 5 से 6 मिनट जब आप इसको बढ़िया से मसल लोगे तो ये बिल्कुल नरम और चिकना हो जाएगा। बस ऐसा ही आटा हमें बाजरे की रोटी के लिए लगाना है। अब ये आटा लगाने के बाद इस आटे में से हम एक पोर्शन तोड़ लेंगे और बाकी के आटे को अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब जो पोर्शन हमने तोड़ा है इसकी हम पहले एक चिकनी सी लोई बना लेंगे। लोई को बनाने के बाद अब इसे बाजरे का जो सूखा आटा उसमें अच्छे से कोट करेंगे। उसके बाद बस बेलन से बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। रोटी का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बस रोटी की जो मोटाई है वो आपने मीडियम रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है ना बिल्कुल पतली। अगर आप ज़्यादा मोटी रखोगे तो जो रोटी है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर बिल्कुल पतली रोटी बेलोगे तो कुछ ज़्यादा ही कुरकुरी करारी सी हो जाएगी, तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मीडियम थिकनेस का हमें ये जो रोटी है बेलनी है। रोटी को बेलने के बाद अभी इसे हमें सेकना है, तो उसके लिए तवे को एक बार हम मीडियम गर्म कर लेंगे और उसके बाद ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। बस मीडियम आंच पे इसको सेकने देना है। जब आपको लगे कि नीचे से अच्छे से सेक गई है और ऊपर से इसकी जो सरफेस है वो ड्राई हो गई है, रोटी को हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सेकने देंगे। जो पहली साइड है वो हमें हल्की सी कच्ची रखनी है, और दूसरी साइड जो अभी हमने पलटी है इसको हमें थोड़ा अच्छे से सेकना है। जब आपको लगे ये नीचे से थोड़ी सी हार्ड हो गई और हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर आ गए हैं, बस इसे तवे से उतार कर हम आँच में रखेंगे और चिमटे से इसको उलटते पलटते और घुमाते हुए अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पर रोटी को आपने बढ़िया से सेकना है, नहीं तो खाते समय फिर ये अंदर से आपको कच्ची लगेगी। तो यहाँ पर जैसे मैं सेक रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रोटी कितनी बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हुई है। देखने से बिल्कुल कोई बता नहीं सकता कि ये रोटी बाजरे की है। तो बस सेकने के बाद अब इस रोटी को हम गरम गरम पर ही घी लगा देंगे। आप इसकी जगह बटर या फिर टिंडी लगा सकते हैं, तीनों का जो टेस्ट होता है बाजरे की रोटी में बहुत बढ़िया आता है। तो बस इसी तरीके से हम सारी जो रोटियां हैं इनको सेक लेंगे। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी बहुत ईजी है बनानी। इस तरीके से आप बना के देखना ये जो रोटी है वो कितनी ज़्यादा नरम बनी है आप देख सकते हैं, और कितनी बढ़िया तरीके से फूली थी वो आपने पहले ही देख लिया। तो इस बाजरे की रोटी को आप तरी वाली सब्जी के साथ खाएं, यानी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, उसके साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। या फिर आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, या फिर सिंपल लहसुन और लाल मिर्च की जो चटनी होती है उसके साथ खाएं, उसके साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। और वो चटनी की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बस आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखना भी, बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद रखती हूँ आज की ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी सिंपल सिंपल सी रेसिपी पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।